लगाई रोक। ई सिगरेट स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लालू की बहू ऐश्वर्या को धक्का देकर घर से बाहर निकाला। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को पाने के लिए इस वित्त वर्ष के अंत तक रिजर्व बैंक से करीब 30,000 करोड़ रुपए के आंतरिक लाभांश की मांग कर सकती है। एक अधिकारी ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है। प्याज के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्याज नीति में संशोधन किया है। ई सिगरेट स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक, प्रधानमंत्री मोदी का कहना। देश में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाए जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे की इस लत के दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बेहद हानिकारक है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, साथ ही एकल उपयोग प्लास्टिकों का इस्तेमाल बंद करने में पूर्ण सहयोग की मांग। लालू की बहू ऐश्वर्या को घर से बाहर निकाला। रावड़ी आवास के बाहर बेटी संग धरना पर बैठे माँ और बाप, यह खुद ऐश्वर्या राय ने कहा है। पति तेज प्रताप यादव से तलाक का मुकदमा लड़ रही ऐश्वर्या राय ने पहली बार अपना मुंह खोला है। उन्होंने सास राबड़ी देवी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बताया कि आज भी उन्हें खाना नहीं दिया जाता है। पहली बार उनके पिता चंद्रिका राय ने भी मुंह खोला है। उन्होंने कहा कि शर्माती है कि ऐसे घर में बेटी का रिश्ता मैंने तय किया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।